मैं इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ा था, बहुत ज्यादा मेहनत मैंने नहीं की थी और फिर भी मेरा हो गया। सोचिए अगर आपके सामने इस तरह के कोई वर्ड्स बोले तो आपको मजाक नहीं लगेगा, पर ये मजाक नहीं है, हकीकत है। हमारे साथ में विवेक यादव, जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट में एफकेट क्लियर हुआ है। हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम लोग डिफेंस सर्विसेज का हिस्सा बने और उन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं। बहुत टाइम तक प्रिपरेशन करने के बावजूद भी एग्जाम नहीं निकलता है, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉलेज के सेकंड ईयर को कंप्लीट करने के बाद ही डिसाइड करते हैं कि हमें फौज का हिस्सा बनना है, फौज में जाना है, और उसके लिए फोर्थ डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करते हैं और फाइनल ईयर कंप्लीट होने से पहले एफकेट क्लियर कर जाते हैं। विवेक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। विवेक ये सब क्यों सोचा है, कैसे मन में आया कि फौज में जाना है, क्या इंस्पिरेशन था आपका? सर इंस्पिरेशन तो स्टार्टिंग से ही था, लेकिन फिर ग्रेजुएशन के बाद में लगा कि कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, तो फिर मैंने कोचिंग देखा तो फोर्थ एकेडमी का था इंकॉन में सबसे पॉपुलर थी, इसलिए ये। विवेक तेरी आवाज़ से जा नहीं रही बच्चों, थोड़ा तेज बोलेगा तो ज़्यादा अच्छा मजा आएगा। हाँ, तो सोचा कि कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, फोर्थ एकेडमी मिल गई, ज्वाइन कर लिया। हाँ सर। ज्वाइन करने से सब कुछ हो गया, कुछ खुद ने भी किया? किया था ना सर, जो यहाँ से पढ़ाते थे उसको रिवाइज करता था और बस ज्यादा कुछ नहीं पढ़ता था मैं, जो यहाँ से कराते थे वो करता गया, ज्यादा कुछ नहीं किया और पास हो गया। हाँ। तो ऐसा कितना कंप्यूटर वाला दिमाग है तेरा, ज्यादा कुछ नहीं किया और पास हो गया। मैं जानना चाहता हूँ बच्चे उनसे मैथमेटिक्स नहीं निकलते, तुमने मैथमेटिक्स कैसे किया? मैथमेटिक्स मेरा बचपन से स्ट्रॉन्ग ही है और मैंने IIT की प्रिपरेशन की है, तो उससे भी मेरा मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हो जाता है मैथमेटिक्स। तो आपकी बचपन की जो पढ़ाई है वो बहुत काम आती है आपके, इसका बचपन से मैथमेटिक्स अच्छा है, IIT के लिए प्रिपरेशन के डेफिनेटली मैथमेटिक्स अच्छा है, हो गया काम। GS में क्या किया, GS में कैसे जुगाड़ लगाया? GS तो यहीं से पढ़ा था, जो था वही था, ऐसे GS में बहुत वीक था मैं, मतलब बचपन से मेरे को समझ नहीं आता था, मन भी नहीं होता था पढ़ने का, लेकिन यहाँ पे आके पढ़ा तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पॉलिटिक्स में और ज्योग्राफी में, तो थोड़ा जो सर ने पढ़ाया था बस उसी को रिवाइज करके गया था, ज़्यादा मैंने ना कुछ और अदर बुक नहीं पढ़ी, ना जो कोचिंग से बुक्स मिली थी उसको देखा कुछ, बस जो सर ने पढ़ाया था सेल्फ के जो नोट्स थे उसी को रिवाइज करके। जो सर ने पढ़ाया पॉलिटी वाले, ज्योग्राफी वाले, हाँ हिस्ट्री वाले, बस जो उतना पढ़ते गए, जो खुद के नोट्स थे वही पढ़ा था। जैसे लोग तो कहते हैं बहुत सारी किताबें पढ़ना पड़ती है, ज्योग्राफी के लिए 3-4 किताबों के नाम लोग बता देते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ता है, और तुम कह रहे हो कि जो सर ने पढ़ाया वो पढ़ लिया और हो गया, इज इट पॉसिबल? मेरे साथ तो हुआ है, मैंने इतना जो मेरे साथ हुआ है वो मैं कह सकता हूँ। हाँ। टेस्ट वेस्ट देने में भी रुचि रहती थी, नहीं दिए, दिए कैसे दिए? दिए थे टेस्ट। टेस्ट देने के पहले क्या मूड होता था और टेस्ट देने के बाद क्या मन में विचार आते थे? बहुत लाइटली देते थे टेस्ट, तो हर संडे को होते थे और जैसे पेपर आता था तो बस दे देते थे, ज़्यादा कुछ सोचते नहीं थे उसके बारे में, और कोर्स सर बता देते थे, जैसे संडे को टेस्ट होना है तो फ्राइडे को कोर्स बता देते थे, तो एक बार नोट्स देख लेते थे बस। देख इतना आसानी से बोल रहा है, ऐसा नहीं लग रहा है एफकेट हलवा है जब इसकी बात सुन रहे, तो मुझे नहीं लगता एफकेट हलवा है, पर ये करने वालों के लिए वास्तव में बहुत सिंपल चीज़ है। आपको जस्ट अपने गोल पर फोकस करना होता है कि वास्तव में करना क्या है। फ्राइडे को सिलेबस बता दिया, संडे को टेस्ट है, एक बार नजर मारी टेस्ट दे दिया, मस्ती के मूड में टेस्ट हो गया। हाँ। SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन आप कर रहे हो? हाँ सर। क्या बदलाव अपने आप के अंदर महसूस कर रहे हो जब आप